भोपाल के खानू गांव में आज एनआईए की निशानदेही पर एटीएस की टीम सुबह करीब 4 बजे भोपाल के खानू गांव पहुंच गई, जहां उन्होंने एक घर पर दबिश देकर घर के मुखिया मोहम्मद मुसाब खान से करीब 3.5 घंटे कड़ी पूछताछ की। ये परिवार 2 साल पहले ही खानू गांव में शिफ्ट हुआ है, 2 साल पहले, ध्यान दीजिएगा। पड़ोसियों को भी इस परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि कौन है, इसकी जानकारी ही नहीं है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन। लेकिन जितने लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपका भी गांव होगा, अगर 2 साल से अचानक कोई रहने आ जाए तो संदेह तो होगा। बहरहाल ब्रजेश जैन ने क्या कहा है वो सुनते हैं। राजस्थान, यूपी, दिल्ली समेत मध्य प्रदेश के भी कई शहरों पर आज एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और एनआईए की निशानदेही पर एटीएस की टीम भोपाल भी पहुंची थी। भोपाल के खानू गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और खानू गांव में ये वही घर है जहां एटीएस की टीम सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच लगभग पहुंची और यहाँ पर पहुंचकर दबिश दी गई। लगभग 20 से 25 जो जवान थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और साथ में जो एटीएस के अधिकारी थे उन्होंने इस घर को घेर कर अंदर जो एक फैमिली रहती है उससे लंबी पूछताछ की। लगभग बताया जा रहा है कि 3.5 घंटे तक ये पूछताछ की गई। करीब 50-55 साल के व्यक्ति यहां जो घर के मुखिया हैं उनको हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की गई है और बताया जा रहा है कि भोपाल में जो पिछले साल पीएफआई पर छापेमार कार्रवाई शाहजहांबाद इलाके में की गई थी उससे कहीं ना कहीं लिंक मिलते हुए जो इनपुट मिला था उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो खानू गांव के इलाके में की गई है। यहां की तस्वीरें देखिए, कुछ पड़ोसी भी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो ये घर में कौन रहता है, कौन आता जाता है, कुछ नहीं पता आपको? क्या करते हैं, क्या नाम? कोई नाम नहीं मालूम हमको, नाम भी नहीं पता। ये कब आए फैमिली यहाँ? 2-1 साल हुआ है। तो ये किराए से रहते हैं या मकान खरीदा हुआ? नहीं, मकान उन्हीं का है। अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोग संदिग्ध आपको गतिविधियाँ ऐसी लगी, कभी कुछ लोग आते थे क्या यहाँ? कभी कोई नहीं लगा जी। तो देखिए, पड़ोसी कुछ स्पष्ट तौर पर बता नहीं पा रहे हैं लेकिन यहाँ पर बाइक खड़ी हुई है और कहा यह गया है घर में से कुछ चीज़ें जब्त की गई हैं और ये स्कूटी का जो नंबर है उसके आधार पर ये डिटेल जो है वो बता रहा है मोहम्मद मुसाब खान, जो भोपाल के इसी पते पर रजिस्टर्ड है ये स्कूटी। यानी कि इस फैमिली में जो रहते हैं मोहम्मद मुसाब खान, उनसे पूछताछ की गई है। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ ब्रजेश जैन, खानुगांव, भोपाल। और इसी मुद्दे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा क्या कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ा मामला है ये और मैं समझता हूं कि सुरक्षा की बात है तो थोड़ा और खोले और उन्हीं को, उनकी ओर से ही ये विषय आने दें।